Hi everyone, let us see the question. Glycolysis process occurs in which part of the cell? So basically glycolysis क्या है? सबसे पहले हमको ये समझना होगा, जो conversion होता है बेटा glucose का into pyruvate, इस process को हम बोलते हैं glycolysis. This complete process of conversion of glucose into pyruvate, इसको हम बोलते हैं बेटा glycolysis. ग्लाइको का बेसिकली हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं ग्लूकोज को, एंड लाइसिस का मतलब तोड़ना. तो बेसिकली ग्लूकोज को तोड़ के कन्वर्ट करना पाइरूवेट के अंदर, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. एंड रेस्पिरेशन का ये स्टेप हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. दिस स्टेप अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. ये एक तरीके की यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर होती है. सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, सभी सेल के अंदर बेटा सबसे पहले ग्लूकोज पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.